तो मेरा ट्रेसर पहले से मुकाबले थोड़ा इंप्रूवमेंट हुआ है, उसके साथ हेयर भी। तो ये मेरा पावर ट्विस्टर है और ये मेरा पुशअप बोर्ड है और 10 केजी का 2 डंबल। तो बाल को बांध लेते हैं, काफी अनकंफर्टेबल लग रहे हैं। तो आज हम करने वाले हैं चेस्ट वर्कआउट। चेस्ट मसल को ग्रो करना चाहते हो तो आप इन बातों का ध्यान रखिए कि हमारे चेस्ट मसल के अपर, मिडिल, लोअर चेस्ट होता है और इसके साथ ट्रेसर मसल को भी ट्रेन करेंगे। तो पहले नॉर्मल पुशअप 3 सेट 12 रिपीटेशन लगाता हूं, जो कि हमारे मिडिल चेस्ट मसल ग्रो होती है। फिर मैं डिक्लाइन पुशअप लगाता हूं 3 सेट 15 रिपीटेशन, ये हमारे अपर चेस्ट ग्रो करने में हेल्प करता है। हार्ड वर्कआउट करता हूं इंक्लाइन पुशअप, जो कि 3 सेट 15 रिपीटेशन, ये हमारे लोअर चेस्ट मसल को ग्रो करने में हेल्प करती है। फिर मैं करता हूं मेरे 10 केजी डंबल से ये वर्कआउट, जो कि 3 सेट 15 रिपीटेशन रहता है। फिर मैं पुशअप बोर्ड से 3 सेट 15 रिपीटेशन लगाता हूं वाइट पुशअप, ताकि मेरा चेस्ट वाइट दिखे। फिर मैंने किया 3 सेट 20 रिपीटेशन क्लोज ग्रिप पुशअप, ये करने से हमारे इनर चेस्ट ग्रो होने के साथ ट्रेसर मसल भी ग्रो होता है। तो मेरा लास्ट वर्कआउट रहता है पावर ट्विस्टर, जो कि मैं इसे करता हूं 1 ही सेट 20 रिपीटेशन, और ये है मेरा आफ्टर पुशअप बॉडी कंडीशन।